वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इस वीडियो का टाइटल बिल्कुल क्लिकबेट नहीं है। हेलो एवरीवन, मैं हूं सत्यम नपलचाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है और मैं चाहता था कि मेरा पहला यूट्यूब वीडियो कुछ स्पेशल हो, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ओम पर्वत का ट्रैवल वीडियो शूट करूँगा, क्योंकि ओम पर्वत अपने आप में ही अद्भुत जगह है ही, साथ ही वहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी बहुत सुंदर है। वैसे ट्रैवल वीडियो बनाते टाइम लोग वीडियो बनाते बनाते ही बोल लेते हैं, लेकिन मैं बाद में वॉइस ओवर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम नज़ारों की खूबसूरती देखकर मेरी बोलती बंद हो गई थी। मजाक कर रहा हूँ, बोलना तो दूर, मुझे ये तक समझ में नहीं आता कि मैं रिकॉर्ड क्या करूँ, रिकॉर्ड कैसे करूँ। तो उस टाइम मैंने सोचा कि मैं अब कुछ नहीं सोचता हूँ, जो भी सोचना है बाद में सोच लूँगा, और बस मैंने अपना कैमरा पकड़ा और रास्ते में सब कुछ रिकॉर्ड करता हुआ चलता गया। तो ऐसे शुरू हुई हमारी ओम पर्वत की यात्रा। आदि कैलाश और ओम पर्वत को जाने वाली ये रोड साल 2020 में मेन रोड से कनेक्ट हुई। उससे पहले लोग यहाँ पैदल ही चला करते थे। मेरे गांव नपलचू जाने का रास्ता भी यही है। पहले हमें पैदल अपने गांव नपलचू पहुँचने में 2 से 3 दिन लगते थे, जिस वजह से मेरे दादा दादी अपने गांव जाना चाहते हुए भी घुटनों में दर्द के कारण जा नहीं सकते थे। तब मैं सोचा करता था कि मैं बड़ा होकर उनके लिए एक हेलीकॉप्टर खरीदूँगा, और अब कंडीशन ऐसी है कि बाइक में पेट्रोल डालने के लिए भी बाइक गिरवी रखने का सोच रहा हूँ। खैर, सफ़र में आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये क्या हुआ, अचानक ना जाने वहाँ रेतीला बादल कहाँ से आ गया। वहाँ रोड अच्छी थी तो मैंने सोचा स्पीड थोड़ी बढ़ा लेता हूँ ताकि रेतीला बादल के मुझ तक पहुँचने से पहले मैं पहाड़ की दूसरी तरफ पहुँच पाऊँ। पर मुझे थोड़ा आगे जाके मालूम चला कि रास्ता पहाड़ों के दूसरी तरफ नहीं जाता, यानी अब धूल खाते हुए ही जाना था। पर इतनी धूल क्यों हो रही है जानने के लिए मैंने एक लोकल से पूछा। नेपाल में ब्लास्टिंग से आप ये मत सोचिएगा कि वहाँ किसी ने मिसाइल बॉम्ब वगैरह गिरा दिया। दरअसल यहाँ पहाड़ों में रोड बनाने के लिए ब्लास्टिंग करके पहाड़ों की कटिंग करी जाती है। ब्लास्टिंग की धूल क्रॉस करने के बाद जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे, नज़ारे और खूबसूरत होते जा रहे थे। और फिर सफ़र में आगे बढ़ते हुए दूसरे दिन हम पहुँचे अपनी मंजिल ओम पर्वत। यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता है, कई बार यहाँ घने बादल या कोहरा होने के कारण ओम पर्वत के दर्शन नहीं हो पाते हैं। कई सालों पहले भी मैं जब यहाँ एक बार आया था तो कोहरे के कारण मुझे ओम पर्वत के दर्शन नहीं हो पाए थे, पर इस बार मैं काफ़ी खुशनसीब रहा कि ओम पर्वत के इतने सुंदर दर्शन हो पाए। कई घंटों तक यहाँ शांति के साथ बैठने के बाद जब मैं अपना बैग पैक करके निकल ही रहा था कि अचानक मुझे ओम पर्वत के ऊपर बादलों में भी ओम नज़र आया। इस अद्भुत चमत्कार को अपने सामने देखकर मैं बता नहीं सकता कि मैं उस समय क्या महसूस कर रहा था।